कीर्ति रिसाइड एंड योर वेलकम टू लॉस फैक्ट्रिज। दिस वीडियो इस गोना बी ऑल अबाउट छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम जो वन ऑफ़ द इजीस्ट जुडिशरी एग्जाम मारा जाता है इंडिया के अंदर तो ये तो मस्ट अटेम्प्ट है भी। छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम के बारे में सारी डिटेल्स, सारी इनफॉ सिविल जज जूनियर डिवीजन में जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी क्या पर्क्स फैसिलिटीज मिलेंगे ये सब कुछ कवर करेंगे आई रिकमेंड कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले उस एग्जाम के बारे में छोटी से छोटी डिटेल जान लेना बहुत जरूरी होता है ओके नो मोर टॉक्स लेट्स द डिटेल्स ऑफ छत्तीसगढ़ जुडिशियर एग्जाम इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन और इसे ऑफिशियली कहते हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज रिक्रूटमेंट एग्जाम या छत्तीसगढ़ पी एस सी जे इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए आपको मेन तीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे नंबर वन आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए नंबर टू आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड लॉ यूनिवर्सिटी एंड नंबर थ्री आपकी एज मिनिमम ट्वेंटी वन ईयर्स और मैक्सिमम थर्टी फाइव ईयर्स होनी चाहिए बट कुछ कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जैसे अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़ तो आपको फाइव ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा यानी आपकी मैक्सिमम एज जो अलाउड होगी दैट विल बी थर्टी फाइव प्लस फाइव फोर्टी ईयर्स अगर आप वन हैं, किसी भी कैटेगरी की तो आपको सीधे सीधे दस साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो आपके लिए मैक्सिमम एज होगी थर्टी फाइव प्लस टेन फोर्टी फाइव ईयर्स एंड अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट के टेम्प्ररी या परमानेंट वर्कर्स में फॉल करते हैं तो आपको तीन साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर यू गाइज मैक्सिमम एज विल बी थर्टी फाइव प्लस एट ईयर अब कुछ एस्परेंट्स का ये डाउट होता है कि क्या एग्जाम देने से पहले आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है या फिर कुछ टाइम प्रैक्टिस करना जरूरी है देन लेट मी क्लियर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कुछ स्टेट्स में ये मैंडेटरी है बट छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम के मामले में ऐसा नहीं है आपको सिर्फ ये तीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे ये एग्जाम तीन स्टेजेस में होता है प्रिलिम्स और इंटरव्यू सबसे पहले प्रिलिम्स की बात कर लेते हैं ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है हंड्रेड मार्क्स का ईच क्वेश्चन ऑफ वन मार्क और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दो घंटे का ये पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में इन ऑनलाइन मोड प्रिलिम्स में जो टोटल एस्परेंस अपियर होते हैं उनमें से वन ऑफ टेंडिडेट सेलेक्ट होते हैं के लिए बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड नंबर ऑफ प्रिलिम्स अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल होंगे मेन्स में अपियर होने के लिए मेन्स का जो एग्जाम होता है वो भी टोटल हंड्रेड मार्क्स का होता है ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तीन घंटे का इन ऑफलाइन मोड अब इन हंड्रेड मार्क्स का डिविजन कुछ ऐसे होता है

तो ये है वो लॉज जो आपको पढ़ने हैं इस एग्जाम के लिए एक्चुअली एम और छत्तीसगढ़ जुडिशियरी का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट एटी परसेंट सेम ही है सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूर तो छत्तीसगढ़ जुडिशियरी का सिलेबस भी आपका साथ साथ में कवर हो जाएगा यू शुड बोथ इन दैट केस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एक बार देख लेते हैं ये है छत्तीसगढ़ पी की ऑफिशियल वेबसाइट जिसपे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है चार सौ रुपये और एस सी एस टी ओ बी सी या डिसेबल्ड पर्सन जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं उनके लिए है तीन सौ रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी होंगी अलॉन्ग विद अ पासपोर्ट साइज फोटो एंड योर ई सिग्नेचर वेल एग्जाम के बारे में तो सब कुछ जान लिया लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन तो ऐसी भी होनी चाहिए ना जिससे प्रिपरेशन करने की मोटिवेशन मिले सैलरी कितनी होगी क्या फैसिलिटीज मिलेंगी पैसा <laughs> पैसा ही होगा एंट्री लेवल पर आपकी बेसिक सैलरी होगी बिटवीन ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड टू फोर्टी फोर थाउजेंड सेवन सेवेंटी क्या 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 कम लगी डोंट वरी बाकी सारे मॉनिटरी अलाउंसेस मिला के आपकी इन इनहैंडलरी अस्सी हजार से एक लाख के बीच में होगी इसके साथ ही आपको कई फैसिलिटीज भी मिलती हैं आपको मिलेगा गवर्नमेंट अकोमोडेशन अगर नहीं मिला तो इसकी जगह हाउस रेंट अलाउंस मिलता है पेट्रोल एंड डीजल अलाउंस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अलाउंस होम ऑफिस सेटअप एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउंस, पर्सनल और ऑफिस असिस्टेंट, मेडिकल अलाउंस, हायर क्वालिफिकेशन अलाउंस न्यूजपेपर एंड मैगजीन अलाउंस एंड सिक्योरिटी जजेस को मिलने वाले सैलरी पर्क्स और फेसिलिटीज पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें ये सारे अलावेंसेज और सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन को आप डिटेल में समझ सकते हैं लिंक इज विजल अब एंड इन द डिस्क्रिप्शन और अगर आप ऑल सेट हैं जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए तो आप चूज कर सकते हैं जुडिशरी गोल्ड को एज योर गाइडिंग पार्टनर जो आपकी प्रिपरेशन को बनाएगा स्मूथ और आपके लिए सक्सेस का बूस्टर का काम करेगा यहाँ आपको मिलेगा वन ऑन वन मेंटरिंग मेंशन का एक्सेस साथ ही रेगुलर लाइव डीसीएस सेशंस, क्विज़ेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स, ई बुक्स क्लास नोट्स और उससे भी अच्छी बात जुडिशियरी गोल्ड ये अच्छे से समझता है और एक्नॉलेज करता है कि हर स्टूडेंट का लर्निंग पेस अलग होता है इसीलिए यहां आप सीख पाएंगे सेल्फ पेस्ड लर्निंग बैचेस के थ्रू ताकि कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन के मामले में पीछे ना रहे हाउ कूल इज दैट जुडिशियरी गोल्ड इन सभी स्टेट्स के जुडिशियरी एग्जाम प्रिपरेशन को कवर करता है आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं यू कैन एनरोल फॉर दैट जुडिशियरी गोल्ड हैज इंट्रोड्यूस्ड इट्स कॉम्प्रिहेंसिव है आप मॉर्निंग या इवनिंग में ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस इसके साथ ही ज्यूडिशरी गोल्ड लेकर आया है आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ज्यूडिशरी गोल्ड ग्रैंड मास्टर्स बॉक्स 2022 जिसमें आपको मिलेंगी सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ और वन लाइनर्स की फिल्टर्ड कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जाम पर्पस के लिए क्राफ्टेड बुकलेट्स इन शॉर्ट अब आपका रिवीजन होगा चुटकियों में

Take care everyone and thank you for watching.